बिल कितना आया? बाप रे बाप, होटल का जो हम लोग 5-star होटल में रुके हैं, वही होटल का आज मैं पूरा एक आपको टूर दूंगा कैसा पूरा होटल है। महंगा तो बहुत है लेकिन जिस हिसाब से कॉस्ट लिया है उस हिसाब से रूम वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो के आगे, तो बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। तो आज का चलिए कमाल के वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका बाहर का व्यू चेक कराता हूँ, जस्ट देखिए। ओ भाई पूरा दिल्ली दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए सही में भाई क्या ही मस्त लग रहा है। वाह व्यू लेकिन मस्त है इधर का, अंदर का व्यू भी काफी अच्छा है। रूम पसंद है, रूम ठीक है, एवरेज है, जो जिस हिसाब से वही ना प्राइस लिया उतना बेनिफिट नहीं है रूम, लेकिन व्यू व्यू के पैसे, हाँ व्यू के पैसे हैं, वही बात है, व्यू कमाल का। एट फर्स्ट आप लोग को रूम टूर दे देते हैं कैसा है। तो इधर गेट एंट्रेंस का एक गेट है, बहुत टाइट ही, देख सकते हैं बाहर का कुछ ऐसा व्यू है। फिलहाल गेट को लगाते हैं हम लोग, और पहले देख सकते हैं बॉयज़ का रूम, तो मेस पूरा ये सब कर दिया है, ये होता है बॉयज़ का रूम का पहचान, सब कुछ पूरा सबको एकदम ही कर दिया। तो चलिए फिलहाल एट फर्स्ट बाथरूम से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज गेट का पास में है बाथरूम, तो बाथरूम एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए कितना कमाल का, हम लोग सबको नहा लिया, सबका नहाना हो गया, जस्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर देख सकते हैं मेन चीज, मेन अट्रैक्शन बाथटब, इधर बाथटब, इधर सबको अभी नहाया, सबका हो चुका है इधर एकदम कंप्लीट डन सबका। पूरा ट्रेन जर्नी करके ना पूरा थका हुआ था, तो तुरंत आकर के सबको इसी में घुसा, सबको मिलकर पूरा एंजॉय किया। मैं आपको बाथरूम का वगैरह सब कुछ दिखा दिया, काफी ज्यादा मस्त है। और देन उसके बाद में इधर आपको मिल जाता है कबर्ड, ये देख सकता है कबर्ड, नॉर्मल जैसा कबर्ड होता है वैसा ही पूरा। इधर एक लॉकर आपको मिल जाएगा, बंद कर देते हैं फिलहाल कबर्ड को, नॉर्मल सा ही कबर्ड है, वैसा कोई नहीं, लेकिन हाँ इसका ये काफी ज्यादा अच्छा है, पूरा शीशा का ऐसा पूरा किया हुआ है। देन इधर थोड़ा मिरर टाइप का है, देन चाय वाय पीने का प्रिंस इधर पूरा है, वो कर दिया पूरा, मतलब जो जिसका मन वो कर रहा है पूरा, एकदम रूम में गंद मचा के रखा है, कोई नहीं, या ग्लास वगैरह रखा हुआ है। इसके नीचे आपको मिल जाएगा एक मिनी फ्रिज, इसके अंदर मैं बोतल वगैरह सब कुछ भर दिया था ठंडा पानी के लिए, इधर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया था वो सब रखा हुआ है। इसको हम लोग बंद कर रहे हैं। हेलो क्या कर रहा तुम? आप एंड व्लॉग लाइव है। इसके बाद बात करता अपना रूम का, ऐसा कुछ रूम है, इधर अपना लगेज वगैरह सारा है, तो रखते हैं इधर साइड में थोड़ा, इधर और एक टेबल, इधर एक इतना बड़ा टीवी, लेकिन टीवी में नो सिग्नल कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है सब कुछ। बेड हम लोग का जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एकदम, तो इधर लाइट वगैरह है, इधर भी एक टेबल है, टेलीफोन आप कॉल करके बोल सकते हैं। और हम लोग अभी खाना ऑर्डर किए हैं, तो एक प्लेट बिरयानी का दाम ले रहा है 1000 रुपया, सोच सकते हैं कितना ज़्यादा महंगा है। तो फिलहाल हम लोग ऑर्डर किए, और अभी बात करते हैं बोला होटल का प्राइस का, तो ये हम लोग को एक दिन का लगा है 9000, 5-star होटल ऐसा ही नहीं, 9000 लगा हम लोग को एक दिन का कॉस्ट ये वाला होटल का, लेकिन ये जो व्यू है ये व्यू का ही पैसा है। तो यही था एक छोटा सा रूम टूर, मैं आपको पूरा दे दिया। फिलहाल हम लोग खाना ऑर्डर किए हैं 1000 रुपया का बिरयानी, देखते हैं कैसा है। 70 years later. खाना समय तुम्हें सिर्फ इधर आ चुका अपना खाना बिरयानी, इसका 1000 रुपया लगा ब्रो, 1000। बिल कितना आया? बाप रे बाप, देखिए नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। तो आयु सब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला, बोलो क्या? अरे यार ये सब बर्तन वर्तन देगा तो पैसा वैसे होगा फिर, सही मुझे मतलब जितना काम लगे 100 रुपए ये, इतना सारा कटलरी 100 रुपए, 300 रुपया, ये 100 रुपए, 400 रुपया, 400 रुपया, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे पूरे पैसा वसूल करेंगे, ठीक है। अरे कप वगैरह भी है, कप है, सब लेके जाएंगे, सब कुछ लेके, टीवी उठा लेंगे, टीवी टीवी भाई, पहली बात यार 8000 लिया है, नहीं 9000 ना, 9000 लिया है रूम का, 9000 इतना सामान तो लेके जाना पड़ेगा ना भाई, खाना का परंपरा है, परंपरा परंपरा। चाकू से खाएंगे, चाकू से काटेंगे। सही में भाई इतना इतना पीस, अरे माँ कितना टट्टी लग रहा खाने में, हाँ बेकार लगा भाई कसम से, कुछ है चावल लग रहा खाली। ए भाई ऐसा मत बोल, ऐसा मत डर रहा हो, हट वाले जाके 1000 का बिरयानी ऑर्डर किया है भाई, पूरा चावल लग रहा है सर भरते हुए गाइस।
टेस्ट करके बताना है इसकी कैसा है। आयुष तो बोला कि बहुत फालतू है, मैं करता हूँ। जितना हम लोग बिरयानी खाना आप उसके हिसाब से बेकारी है। अरे भाई एकदम घटिया, हम तो बोल ही रहे यार है, पैसा बेकार है भैया, पैसा वेस्ट का, पूरा पैसा वेस्ट। लेकिन ना खाओ और ये व्यू को एंजॉय करो, यही एक है और क्या। तो खाना खाने के बाद हो चुका था हम लोग का पूरा मूड ऑफ, क्योंकि इतना फालतू खाना था कि क्या है बोले तो, इसलिए फिलहाल उसके बाद खाना खा के सो गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं एक घंटा बाद घूमने के लिए, हम सभी कोई मिल करके, सबको अपना गैंग इधर, मनोज दे का टीम, मनोज दे आर्मी, सब कोई इधर रेडी, पूरा हैंडसम लग रहा है, मस्त दिल्ली का लौंडा। दिल्ली का पॉल्यूशन वाला गर्मी है ब्रो, लगेगा फील तो होगा। तो ये हम लोग वाला होटल जहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं, तो होटल का नाम है इरोस। तो फिलहाल का प्लान बना के हम लोग चल रहे अक्षरधाम टेम्पल। एक्चुअली इंडिया गेट जाने का प्लान पहले बन रहा था, लेकिन वो कैंसिल कर दे बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन में पूरा ही हो रहा है, तो उधर जाके कोई फायदा नहीं क्योंकि अंदर तो नहीं घुस पाएंगे। तो अक्षरधाम में पहले भी आया था, जब आप बोला कि पहले मैं दिल्ली में रहता था तो मैं अक्षरधाम भी आया था, लेकिन बहुत दिन पहले। तब हम लोग एक बार रात को एक बार उसका फाउंटेन का पूरा शो था, तो वो अटेंड किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। तो हम लोग प्लान बनाया कि वहीं पर हम लोग चलेंगे। फिलहाल बस रास्ते में जा रहे, दिल्ली का ट्रैफिक जाम फिलहाल फंसे हैं, ट्रैफिक इधर लगा हुआ है। यहाँ से 13 किलोमीटर अक्षरधाम टेम्पल। आगे जो दिख रहा है वह यमुना रिवर दिल्ली का, ये देखिए इधर है यमुना का ब्रिज, बैरिकेड लगा, उतना अच्छा नहीं दिखेगा, उधर है यमुना नदी। चलिए फाइनली पहुंच चुका अपना डेस्टिनेशन। एंट्री मंदिर बंद हो चुका है, फिर एंट्री बंद हो चुका सही में। इतना अच्छा ही मूड बना कर आए थे यार, ऐसा कभी नहीं होता था यार। अरे अंतिम प्रवेश से लिखा हुआ देखो, हाँ ना कितना कुछ प्लान किए थे गाइस। मेट्रो से चलेंगे वापस, पोपट हो रहा है हर जगह। वापस आ चुके मेट्रो स्टेशन पे, इधर से पकड़ते हैं। थक हार के एकदम वापस आ चुका अपना होटल। होटल का रात का व्यू क्या ही मस्त है पूरा, ये देखिए इधर से कितना ज़्यादा बड़ा है, बाप रे बाप, बहुत अच्छा लग रहा है इधर। और इधर पूल है देखिए, कितना ज़्यादा मस्त शानदार लग रहा है एकदम। लेकिन अभी पूल में अलाउ नहीं, हम लोग पूछ करके आए, सुबह 8 बजे के बाद इधर अलाउ होगा। फिलहाल आ चुके हैं वापस हम लोग रूम में, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ देख करके एंजॉय करके थोड़ा आसपास घूम करके वापस रूम पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी एक भैया आने वाले हैं, वो भी यूट्यूबर एमआरटी व्लॉग्स, आपको आप लोग में से बहुत को जानते होंगे उनको, तो वो मतलब बाइक का रिव्यू करते हैं, तो उनके साथ मेरा बहुत दिन से बातचीत होता रहता था, अपने भैया जैसे हैं पूरा, बहुत प्यार करते हैं, तो छोटा भाई जैसा, तो फिलहाल वो भी आ रहे हैं, तो मिलते हैं। इधर का व्यू देखिए कितना ज़्यादा मस्त, पूरा दिल्ली इधर से दिख रहा है, ये देखिए ऐसा करके दिखा रहा हूँ, कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर से बोले। हम लोग को तो मस्त लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ दिल्ली से कौन कौन है, मेरा दिल्ली से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं वो जरा कमेंट करके जरूर से बोलिएगा। हम लोग का ये रूम इधर, अरे एसी कितना में करके रखा है ब्रो, कितना ठंडा लग रहा है, कितना में ठंडा, बाप रे तुम 10 डिग्री में सेट करके रखा है ब्रो। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं भैया को लेने के लिए, फाइनली दीपक भैया दिख गए आगे में है वो, फाइनली आइए पधारिए। हेलो बस बढ़िया, और बस बढ़िया,
एक बार हाई कर दीजिए। हेलो भाई, कैसे हो? कुछ लोग कमेंट करके बोल रही है, तो इनका ही वेट कर रहा था। फिलहाल हम लोग निकलेंगे नाइट आउट करने के लिए, दिल्ली घूमेंगे पूरा। भैया का कार से चलेंगे, उनका जो नया वाला कार है उससे चलेंगे हम लोग फिलहाल। तो एक अलग से वीडियो आएगा नाइट आउट का, पूरा घूमेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। दिल्ली का पार्ट 3 आएगा, एक्साइटेड। तो आप लोग तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है गाइस। तो बाय बाय फॉर टुडे, आज नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय।